गोरखपुर के नवागत एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार विश्नोई पुलिस अधीक्षक नगर का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि सीएम सिटी होने के नाते वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए अन्य गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। हर फरियादी की समस्याओं का नगर क्षेत्र के थानों पर ही निस्तारण किया जाएगा, जिससे फरियादियों को उच्च अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर ना काटना पड़े और किसी भी घटना पर थाना प्रभारियों को तत्काल मौके पर पहुंचना होगा। उस घटना में क्या सच्चाई है और क्या कार्रवाई किया जा सकता है, तत्काल अधिकारियों को अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यालय पर आने वाले हर फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, जिससे फरियादियों को कहीं और ना भटकना पड़े। बताते चले कि कृष्ण कुमार विश्नोई मेरठ जिले में ट्रेनिंग के दौरान अपराध की दुनिया के कुख्यात बदन सिंह बद्दो, जो 2.5 लाख का इनामी था, उसे मेरठ में धूल चटाने का कार्य किए थे। तब बदन सिंह बद्दो उत्तर प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड था। उस पर करीब 3 दर्जन मुकदमे थे। यूपी पुलिस ने उस पर 2.5 लाख का इनाम रखा था। पिछले 2 सालों से फरार चल रहे बदन सिंह बद्दो को कृष्ण कुमार विश्नोई ने मेरठ में ट्रेनिंग के दौरान धूल चटाने का कार्य किया था। सुशील जैसे कुख्यात अपराधी को जेल भेजने का कार्य भी किया था। 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसी के तहत मेरठ के किसानों ने भी हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद आईपीएस कृष्ण कुमार विश्नोई ने मौके पर जाकर अपने विनम्र स्वभाव से किसानों का दिल जीत लिया, जिसके बाद किसान हाईवे पर लगा जाम खोलने के लिए मजबूर हो गए। आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार विश्नोई किसानों की भीड़ के पास गए और किसानों के पैर छुए, जिसके बाद किसानों ने जाम किए हुए रोड को खोल दिया। कृष्ण कुमार विश्नोई राजस्थान के बाड़मेर जिले के मूल निवासी हैं। उनकी माता श्रीमती गंगा देवी और पिता सुजाना राम विश्नोई हैं। वह अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इनमें भाई बहनों में 2 बहनें डॉक्टर, 1 बहन नर्सिंग ऑफिसर, 1 बहन पटवारी और 1 भाई सोशल सिक्योरिटी में ऑफिसर है। कृष्ण कुमार विश्नोई ने 8वीं कक्षा में डाइट परीक्षा में अपने पूरे जिले में टॉप किया था। उसी समय उन्होंने ठान लिया था कि उनके जीवन का लक्ष्य आईपीएस बनना है। जोधपुर जिले के केंद्रीय विद्यालय में 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, जिसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में राजनीति विज्ञान में अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्हें फ्रांस सरकार की तरफ से 40 लाख का स्कॉलरशिप मिला था। कृष्ण कुमार विश्नोई विश्व के 4थी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की थी। उन्होंने चाइनीज स्टडी में जेएनयू से गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये सब जांच के लिए सभी चीज आती है, सभी सीआरपी का अच्छा भी जाना है ना नीचे की ओर, उनको कभी ये लोग ऊपर जाएगा ना वापस रास्ते में। हाँ जी सर, सर जैसा जो भी इसलिए सब को सब नीचे जाएंगे सर जांच के लिए। हाँ जांच भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। फिर बाद में सर वापस 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 आते टाइम पहुँच सकते हैं सर, आते टाइम कोई इशू नहीं। इससे पीछे वाला एक बार पीछे ले लीजिए, इससे पीछे। हाँ जी दस से इनके साथ सर। हाँ सर तीन नंबर ये क्या है, ये एप्लीकेशन में चला है जांच के लिए। क्या विधि कार्रवाई होनी है इसमें, अच्छा अपने पास जितने भी भूमि विवादों कार्य होंगे ना अलग अलग सब तैयारी को अपने यहाँ पर भी एक मेंटेन करके रखो, कौन कौन से भूमि विवाद के यहाँ लोग आते हैं सब अलग अलग कम से कम जो पीछे पूछते रहेंगे सब सही सौ बस। नहीं 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 विल हैव टू रिजॉल्व दिस भूमि विवाद का।